ग्रुप की एक लायनेस ने एक वॉटहॉग को मारा है और 2 महीने बड़े ये बच्चे पहली बार मीट को टेस्ट कर रहे हैं। लायंस का छोड़ा हुआ खाना 2 तरह का होता है, एक जिसका ये खुद शिकार करते हैं जैसे कि ये वॉटहॉग, और दूसरा मिले हुए कार्कसेस जैसे कि ये एलिफेंट। सवाना के आधे से ज्यादा प्रेडेटर्स के खाने में वॉटहॉग जैसे वेट के एनिमल्स ही होते हैं। लायंस छोटे मोटे स्नैक्स के लिए इनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इस बफलो जैसे बड़े एनिमल पर ताकत और तालमेल के साथ अटैक करने की एबिलिटी होती है। कुछ ग्रुप्स को 70% खाना जीब्रा, जिराफ और बफलो जैसे 300 किलोग्राम से भी ज्यादा वेट वाले एनिमल से ही मिलता है। फीमेल्स के मुकाबले भारी भरकम मेल्स स्लो होते हैं और अक्सर फुर्तीले एनिमल्स के शिकार में शामिल नहीं होते। ये लेजी एनिमल फ्री में अपना पेट भरते हैं। तकरीबन 800 किलोग्राम वेट के बफलो को मार गिराने के लिए जबरदस्त ताकत का होना जरूरी है। सवाना में जितने बफलो मरते हैं उनमें से ज्यादातर का शिकार मेल लायंस ही करते हैं। ये अकेला इस बफलो को पूरा खत्म नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप की लायनेसेस अब अपना हिस्सा लेने आ गई है। एक फैमिली एक इंपाला को एक ही बार में साफ कर सकती है, लेकिन एक बड़े बफलो को खत्म करने में टाइम लगता है। शाम होते ही जैकल्स बाहर निकलने लगते हैं। मेल और फीमेल खाना खाने अलग अलग जाते हैं, लेकिन हॉन्टिंग कॉल्स से एक दूसरे का पता लेते रहते हैं। इन्हें पता है कि लायंस को रात में शिकार करने का बहुत फायदा मिलता है और अंधेरा होते ही इन्हें पेट भरने के लिए शिकार बने एनिमल्स मिल सकते हैं। आज लक इनके साथ है। भर पेट खा लेने के बाद ग्रुप बफलो के कार्कस को छोड़ के चला गया है और अब मेल जैकल इसकी दावत उड़ाएगा।
और ये अकेला नहीं है। ये बाद में आने वाले को पहचानता नहीं है, ये तो एक पड़ोसी है। उसने कम से कम 1 किलोमीटर दूर से कारकस को स्मेल कर लिया और उसी को सूंघते सूंघते यहां तक आ गया। कारकस इतना बड़ा है, फिर भी पहले वाला मेल शेयर करने के मूड में नहीं है। एक जैकल जितना खाना खा सकता है यहां उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन अफ्रीकन सवाना में किसी चीज का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इन्हें हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। पेट भर जाने के बाद ये मीट के पीसेस को अगली बार खाने के लिए छुपा देगा, लेकिन इसे फुर्ती दिखानी होगी। कारकस पर जिसका हक है वो ग्रुप को आवाज दे के बुला रहा है। ये बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। लायंस ने फिर से कारकस पर कब्जा कर लिया है। हाइना से अलग लायंस के ग्रुप में खाने पर मैच्योर मेल्स का हक रहता है, लेकिन यहां ग्रुप के बड़े मेल का पेट अभी भी भरा हुआ है, जिससे फीमेल्स और बच्चों को आराम से खाना खाने का चांस मिल गया है। का फायदा उठाकर प्रेडेटर्स ने जो ट्रिक्स चली, सुबह होते ही वो सब सामने आ गई। रात में एक यंग ब्लेसबॉक सफा चट कर लिया गया। लायंस ने कारकस के सबसे अच्छे पार्ट्स को पूरी तरह से खा लिया है। लेकिन जो बचा है वो भी बुरा नहीं है, और बचे खुचे खाने की छानबीन करने के लिए वॉटहॉग्स की एक पूरी फैमिली यहां आ गई है। सिर्फ वॉटहॉग्स ही ऐसे पिग्स हैं जो सवाना या ग्रासलैंड्स में ग्रास और रूट्स को खाते हैं, लेकिन ये कभी कभी कारकस के बचे खुचे टुकड़ों को भी अपने खाने में शामिल कर लेते हैं। पिगलेट्स भूखे कम और हैरान ज्यादा हैं। और ये फौरन ही अपने फेवरेट खाने की तरफ लौट जाते हैं। कोई और दिन होता तो ये वॉटहॉग्स शायद लायन का शिकार बन गए होते, लेकिन आज इन्हें लाइफ को स्कैवेंजर्स की तरह से देखने का चांस मिल गया। पेट भर जाने से पहले लायंस कारकस को नहीं छोड़ते, लेकिन सवाना में लेपर्ड्स और चीता जैसे ऐसे शिकारी भी हैं जो किसी खतरे का एहसास होते ही अपने शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। इससे दूसरे एनिमल्स को बढ़िया चांस मिल जाता है
अगर वो हाइनाज को हरा देते हैं तो। एक लेपर्ड ने इस इंपाला का शिकार किया और छोड़कर भाग गया। अब ये हुडेड वल्चर्स इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये वल्चर्स की कई स्पीशीज से साइज में छोटे हैं और उनसे एक घंटे पहले ही खाना खाने निकल पड़ते हैं। इन दोनों के लिए जो जागेगा वो पहले पाएगा वाला केस है। हुडेड वल्चर्स कार्कस पर सबसे पहले पहुंचते हैं, जिससे इन्हें अपने से बड़े और पावरफुल कजन से फाइट नहीं करनी पड़ती। ये मीट के टुकड़ों को खाने के लिए अपनी शार्प स्लेंडर बीक्स को यूज करते हैं और हर रोज 300 ग्राम्स तक खाना खा लेते हैं। इन्हें दिन के अर्ली स्टार्ट और तेज आईसाइट का फायदा मिल गया है। लेकिन फ्री का खाना बटोरने वाले सिर्फ वल्चर्स ने ही कार्कस तक पहुंचने के लिए हाइनाज और जैकल्स को नहीं हराया। झाड़ियों के नीचे से एक पूरी आर्मी फ्रेश वाटर बग्स वाले कार्कस का फायदा उठाने निकल आती है। डंग बीटल्स डंग बॉल्स बनाने के लिए फेमस है और ये उन्हें मिट्टी में सही जगह दबाने के लिए लुढ़का कर ले जाते हैं। लेकिन ये कार्कस पर भी सबसे पहले पहुंचते हैं, जहां ये उन वाटर बग्स को खाते हैं जिन्होंने एनिमल के स्टमक पार्ट्स को डाइजेस्ट कर लिया है। अलग अलग साइज की कई स्पीशीज कार्कस को खाने आ गई है, लेकिन ये यहां सिर्फ डंग के लिए नहीं आई। कई बीटल्स यहां कार्कस का मीट और फैट भी खाएंगे और जैकल की तरह ही कुछ बीटल्स मीट के टुकड़ों को अपनी बरोज में छुपा देंगे। डंग बीटल्स अपने एंटीने की तरह के सेंस रिसेप्टर्स की वजह से फ्रेश कार्कस पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। यहां इंसेक्ट्स इन्हें घेर लेते हैं। विल्डरबीस्ट के इस कार्कस ने लायंस के एक छोटे ग्रुप का और बहुत से बड़े स्कैवेंजर्स का पेट भरा है और अब इस स्टेज पर बहुत तरह के इंसेक्ट्स इसे खा रहे हैं। अब इस कार्कस में स्किन, हेयर और फ्लेश की पतली लेयर बची है और इंसेक्ट्स की आर्मी आखिरी पीस तक को खाने के लिए तैयार है। मैगट्स के लिए ये एक अच्छी नर्सरी है और फ्लाइज यहां अपना पेट भरेंगी और एग्स भी दे देंगी। अलग अलग स्पीशीज के बीटल्स कार्कस के आखिरी पीस तक को खाएंगे। ये हेयर की लेयर्स को छीलकर नीचे के टिश्यू तक पहुंचेंगे और देखते ही देखते कार्कस पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लायंस ने शिकार किया और उससे छोटे बड़े कितने सारे एनिमल्स के लिए खाने का इंतजाम हो गया। जैकल्स, वल्चर्स, वॉटहॉग्स और यहां तक कि बीटल्स तक का फायदा हुआ। लायंस और हाइनास की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज मिली उनका फायदा उठाने के लिए कुछ को रेस लगानी पड़ी, लेकिन दुनिया के सबसे बदनाम स्कैवेंजर्स को खाने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। रोज
राइनो के इस कार्कस पर अपनी टर्न का वेट करते हुए भूखे व्हाइट बैक्ड वल्चर्स को पूरा एक दिन हो गया है। एक स्पॉटेड हाइना एक बार में अपने वजन का 1/3 खाना खा सकता है, जिससे उसका पेट एक हफ्ते तक भरा रहेगा। और इन्हें यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। कभी ये राइनो भारी भरकम था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। हाइनाज ने इसकी हिप बोन को चबा लिया है। इससे उनके जबड़ों और प्रीमोलर्स की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अब कार्कस पर मीट कम रह गया है, जिससे कंपटीशन भी खत्म हो गया। अल्फा फीमेल के आने से बाकी सब भाग गए। इसका फूला हुआ पेट बता रहा है कि इसने काफी खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी ये और खा रही है। पेट भरे होने के बावजूद इसे खाना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये बच्चे देने वाली है। ये जितना ज्यादा खाएगी दूध उतना ही ज्यादा बनेगा और ये जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगी। इस तरह ये अपने से कम रैंक्स वाली फीमेल से 5 times ज्यादा बच्चों को बड़ा करेगी। लेकिन बच्चों का पेट भरने में इसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए ये जरूरी है कि ये खाना खाने की हर अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाए। भर पेट खा लेने के बाद अल्फा फीमेल और ग्रुप के हाई रैंक वाले मेंबर्स चले जाते हैं। आखिर इस यंग मेल की बारी आ ही गई। बिना टाइम वेस्ट किए ये सीधा शिकार के पास पहुंच जाता है और खाना शुरू कर देता है। अब यहां सिर्फ एक हाइना है। ये देखकर वल्चर्स समझ जाते हैं कि उनका टर्न आ गया। कभी कभी सबसे ज्यादा पावरफुल कार्निवोर्स भी दूसरे स्कैवेंजर्स से डर जाते हैं। लेकिन भूख उन्हें वापस खींच लाती है। इसे अपना खाना ऐसे ही नहीं छोड़ना है। वल्चर्स के पास हाइनाज की तरह के शार्प टीथ नहीं है, इसलिए वो राइनो की स्किन को चीर नहीं पाते। और इसका मतलब है कि इस मेल को कार्कस की ओपन साइड से ही खाना होगा। भर पेट खा लेने के बाद वो चला जाता है और कार्कस पर वल्चर्स टूट पड़ते हैं। साढ़े 5 kilo भारी व्हाइट बैक्ड वल्चर्स अपने वेट के 1/5 हिस्से तक के मीट को 5 minutes से भी कम टाइम में निगल सकते हैं। हाइनाज और जैकल्स अपने लिए शिकार करते हैं, लेकिन वल्चर्स नहीं करते। इनका खाना कार्कस ही है। और ग्रीन नेक इमैच्योर वल्चर्स को यह सीखना पड़ेगा कि इस भारी भीड़ में अपना शेयर कैसे ले। लेकिन इन्हें चौकन्ना भी रहना होगा। कभी कभी खाना खाने की धुन में व्हाइट बैक्ड वल्चर्स कार्कस के अंदर ही फंस जाते हैं और उनके साथी ही उन्हें जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। एक काफी बड़ा
करीब 9.5 किलोग्राम का केप वल्चर भीड़ में घुसता है। एक्साइटमेंट में इसकी गर्दन का रंग लाल हो गया है। नॉर्मली केप वल्चर्स अपने बड़े साइज से व्हाइट बैक्ड वल्चर्स को डराते हैं, लेकिन इस भारी भीड़ में इस बड़े वल्चर को जगह ही नहीं मिल रही। हाइनाज ने जो छोड़ा उसे ये सब वल्चर्स मिलकर खत्म कर देंगे। राइनो के कारकस के खत्म हो जाने के बाद कई वल्चर्स अपने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से खाना ढूंढेंगे और सवाना के दो एक्सपर्ट कार्निवोर्स का पीछा करेंगे। जब तक खाना नहीं मिलता, पेट भरने के लिए ये सवाना के एक्सपर्ट प्रेडेटर्स पर ही डिपेंड करेंगे। अफ्रीका की फूड चेन में लायंस और हाइनास के ग्रुप्स की जगह सबसे ऊपर है। इन्हें अपने और अपनी फैमिली के लिए खाना जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये ज्यादातर उन बड़े एनिमल्स का शिकार करते हैं जिन्हें कोई दूसरा नहीं मार पाता। इस तरह ये उन एनिमल्स को चांस देते हैं जो फूड चेन में ज्यादा अच्छी जगह पर नहीं है। अफ्रीकन सवाना में एक की डेथ दूसरों को लाइफ देती है। प्रेडेटर्स और प्रे पर डिपेंड रहने वालों के इस साइकिल में दो पावरफुल कार्निवोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है। वो ऐसे बड़े खतरनाक एनिमल्स को मारते हैं जिन्हें दूसरे छू भी नहीं सकते। इस तरह ये उन रिसोर्सेस को एक्सेस करने का रास्ता खोलते हैं जो सिर्फ टाइम के साथ ही मिल सकते हैं। ये सोशल एनिमल्स अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए जो कर सकते हैं करते हैं।